नमस्कार इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सीबीआई ने आरजेडी के 6 नेताओं के घर छापा मारा। इनमें एमएलसी सुनील सिंह, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद, पूर्व एमएलए अबू दुजान, पूर्व एमएलसी सुबोध राय और लालू के करीब सुभाष यादव शामिल हैं। सीबीआई की टीम सुबह 8 बजे इन नेताओं के घर पहुंची थी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीबीआई की कार्रवाई पर भाजपा का नाम लिए बगैर कहा, ये बलात्कारी पार्टी है, फ्लोरो टेस्ट से पहले ही अपनी निष्ठा पर आ गई है, अपने पालतू जानवर को डराने के लिए भेजा है। राबड़ी देवी ने कहा, हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। तेजस्वी यादव बोले, 100 सोनार की एक लोहार की। इस मामले को लेकर जब हमने यहाँ के वरिष्ठ संस्थापक सदस्य फुजैल अहमद अंसारी और कार्यकारी जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ फैसल रहमान आमिर से बात की तो उन्होंने कहा कि यह लोग सीबीआई से छापेमारी करवाकर हमारे नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता डरने वालों में से नहीं हैं। और क्या कुछ कहा वह भी सुनिए इस बारे में। देखिए, ये जो छापा पड़ा है ना, ये प्योर पॉलिटिकल छापा है और केंद्र सरकार के सारे पर जो है ये छापा दिया जा रहा है। आरजेडी के नेताओं को जिस दिन बहुमत सिद्ध करना था विधानसभा में, ठीक उसी दिन आरजेडी के नेताओं के यहाँ छापा पड़ता है। इसका मतलब यह है कि ताकि एक आरजेडी के नेताओं में या एमएलए में एक वसत एक क्रिएट हो और लोग इस वोटिंग के टाइम में जो है कुछ एमएलए नहीं जा सके विधानसभा, इसलिए एक तरह से डराने धमकाने का जो है साजिश था, जो एक बुरी तरह से विफल हो गया। और जिन जिन नेताओं के यहाँ छापा पड़ा है, किन्हीं के यहाँ कुछ हाथ नहीं लगा, झूठ मूठ का रूमर फैलाया गया कि रुपया का मशीन गिनने के लिए ले जाया जा रहा है, ये ले जा रहा। आज भी सुनील सिंह जी के यहाँ जो है दो दो लॉकर का इंक्वायरी हुआ, कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब तक छापा नहीं मारा जा रहा था और अभी छापा मारा जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो ठीक है, नहीं छापा मारा जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के करोड़ों करोड़ का जो गबन का जिन पर आरोप लगा हुआ है, उन सब के यहाँ छापा नहीं पड़ रहा, उन लोगों का कोई जाँच नहीं हो रहा। बिहार ही के कितने मंत्री हैं, अगर आज उन लोग के यहाँ सीबीआई और ईडी का छापा पड़े तो हम समझते हैं पूर्व के जो मंत्री जो अभी रहे हैं उसमें कम से कम दर्जनों मंत्री जो है जेल के सलाख के पीछे आएंगे, फिर उनका बिल भी नहीं होगा जल्दी, इतना घोटाला किए हुए लोग। वो लोग क्या बोलेंगे, उन लोग को बोलने के लिए है क्या? इसीलिए ये सब जो है ये सब सिर्फ साजिश है और क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर करने के लिए एक हड़बा इस्तेमाल किया जा रहा है। आज देखिए, आज निजी हम देख रहे थे दिल्ली में किस तरह जो है 40 एमएलए को आप पार्टी सरकार के 40 एमएलए को जो है 20-20 करोड़ ऑफर देकर जो है उनको तोड़ने का साजिश किया जा रहा था, जिसका आज केजरीवाल जी ने जो है सारे विधायकों का बैठक किया और एक एक विधायक वहां पहुंचे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि हम लोग एकजुट हैं, लेकिन साजिश तो चली। तो ये तो बनी बनाई सरकार को जो है माने तोड़ के जो है महाराष्ट्र में वही हुआ। महाराष्ट्र में भी जो है शिवसेना सरकार को जो है तोड़ के सरकार बनाया बीजेपी अपने से। तो इन लोग सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं और सत्ता किस तरह हासिल हो बस उसी पर इन लोगों का पूरा फोकस रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के पास अभी 800 करोड़ का डीलिंग था दिल्ली में 40 एमएलए को 20-20 करोड़ का, तो इन लोगों के पास पैसा इतना कहां से आया इसका कोई इंक्वायरी नहीं, इसका जांच कौन करेगा? ईडी सीबीआई सब तो उनके हाथ में है। तो इसलिए हम समझते हैं ये सब फजूल बात है और ये पूरी तरह जो है, और तो हम तो कहेंगे कि जिस तरह बंगाल में सीबीआई और ईडी का जो छापा पड़ा उसमें माननीय वहाँ की मुख्यमंत्री महोदया ममता बनर्जी जो है सारे ईडी और सीबीआई के अफसरों को जो है अरेस्ट कर लिया, उसी तरह बिहार में भी जो है जो हो रहा है ईडी और सीबीआई का जो माने पॉलिटिकल छापा पड़ रहा है, तो यहाँ भी जो है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी कड़ा इख्तियार करना होगा और यहाँ भी जो छापा पड़ता है उसका विरोध करना होगा और विरोध करके सख्त से सख्त जो इनके हाथ में पावर है उस हिसाब से जो है उन पर भी शिकंजा कसना होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि इनका यही रवैया रहा तो आहिस्ता आहिस्ता सबको डरा के धमका के चाहेगा कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की गवर्नमेंट हम स्थापित करें।
अपना परिचय। मेरा नाम है फजल अहमद अंसारी, पूर्व पार्षद हैं दरभंगा नगर निगम और आरजेडी के संस्थापक सदस्य कह लीजिए, या जिस वक्त से पार्टी बनी थी उस वक्त से हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बिहार के सरकार को डराने का काम कर रही है। जब बिहार में भाजपा की सरकार थी उस टाइम तक किसी के घर पे कोई रेड नहीं पड़ा, न सीबीआई न ईडी। जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुई, भाजपा के हाथ से बिहार में सत्ता गई, लगातार सीबीआई ईडी झूठ का सारे लोगों को, राजद के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। सुनील सिंह जी के घर पे 14 घंटा 15 घंटा ईडी सीबीआई का छापा मारा गया, मिला क्या? सबके सामने। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी 4 विधायक का हम नाम बताते हैं, उनके घर पे छापा मारे और देखे वहाँ से उनको क्या मिलता है। कौन कौन विधायक? उनके दरभंगे के ही 2 विधायक हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक साजिश रची जा रही है सभी नेताओं के खिलाफ? साजिश है, रचा नहीं जा रहा है, पूरा साजिश के तहत ही काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी साजिश के तरह काम कर रही है, किसी भी तरह सरकार को गिराने में लगी हुई है। वो तो डराने का काम कर रही है, किस तरह विधायक डरे, भाजपा में शामिल हो, फिर हम यहाँ बिहार में सरकार बनाए, मगर उनका ये मानसा कभी पूरा नहीं होगा। क्या इसका कनेक्शन 2024 वाले इलेक्शन से हो सकता है? हाँ, लोकसभा 2024 से ही पूरा तार जुड़ रहा है। कब तक ऐसा चलेगा? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता बताएंगे कि वो कब तक डराने का काम करेंगे। अपना परिचय। फैसल नामा नामे कार्यकारी जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक दरभंगा।